दोस्तों मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उस वीडियो में मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स देखने के लिए मिल रहे थे कि सर जब हम अपना बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ओटीपी एक्सपायर का एक मैसेज शो हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस परेशानी का हल लेकर आ गया हूँ। आज मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर बीओबी की वर्ल्ड एप्लीकेशन में लॉग इन करते हुए अगर आपको भी यहां पर एसएमएस सेंड करते हुए यहां पर ओटीपी एक्सपायर का मैसेज यहां पर शो हो रहा है सो आप यहां पर बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं, आज मैं आपको यहां पर 5-6 टिप्स यहां पर देने वाला हूं। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप यहां पर बीओबी की वर्ल्ड एप्लीकेशन में सक्सेसफुल्ली लॉगिन हो जाएंगे। सो दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंक से जुड़ी वीडियो और फाइनेंस से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। अब दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है नमन अर्निंग गुरुजी। उस यूट्यूब चैनल की लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी जहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी मेन वीडियो। दोस्तों अगर आप भी यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन आप जब इस पर अपना लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो आपको भी यहां पर टाइम आउट की जो एक प्रॉब्लम है वो आपके सामने आ रही है या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव नहीं हो पा रही है सो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप यहां पर बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में किस तरह से आप यहां पर लॉगिन हो सकते हैं अगर आपको लॉगिन होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में जो आपने पहले से अपने मोबाइल में बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है तो आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको यहां पर दोस्तों दोबारा से प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहां पर सिंपली सर्च करना है बीओबी एम कनेक्ट। यहाँ पर दोस्तों आप बीओबी एम कनेक्ट भी सर्च कर सकते हैं और आप बीओबी वर्ल्ड भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अब बीओबी एम कनेक्ट एप्लीकेशन बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन बन चुकी है जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि ये 84 MB की एप्लीकेशन है तो हमें दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड होने तक वेट कर लेना है। दोस्तों जैसे कि हमारे मोबाइल में बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, डाउनलोड होने के बाद सिंपली हमें ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहां पर ओपन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल कर आता है, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सिंपली दोस्तों यहां पर हमें इस एप्लीकेशन को कुछ परमिशन यहां पर दे देनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं तो हमें सबसे पहले अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं बीओबी एम कनेक्ट इज नाउ बीओबी वर्ल्ड, यानी कि जो बीओबी की एम कनेक्ट एप्लीकेशन थी अब वो यहां पर बीओबी वर्ल्ड बन चुकी है। तो उसके बाद यहां पर आपके सामने ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों आप लैंग्वेज यहां पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहां पर काफी सारी लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, यानी जो लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल है वो लैंग्वेज आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर हमें सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमें स्किप पर क्लिक कर देना है। दोस्तों स्किप पर क्लिक हम जैसे यहां पर करेंगे तो आपके सामने यहां पर निकल कर आ जाएगा ओपन ए डिजिटल सेविंग अकाउंट और लॉगिन इन बीओबी वर्ल्ड। अगर आपको यहां पर अपना अकाउंट खोलना है तो आप यहां पर ओपन ए डिजिटल सेविंग अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन के थ्रू अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए एक लाइव वीडियो बनाकर दूंगा। अब जैसे कि हमें यहां पर बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में लॉगिन होना है तो सबसे पहले हमें बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन लॉगिन इन ए बीओबी वर्ल्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे सबसे पहले हमें एक यहां पर अपनी डिवाइस की लोकेशन को एक्सेस करने के लिए परमिशन देनी होगी। परमिशन देने के बाद यहां पर हमें अपनी डिवाइस को एसएमएस सेंड करने की परमिशन भी यहां पर देनी होगी। जैसे हम यहां पर ये कुछ परमिशन ग्रांट कर देंगे उसके बाद हमें दोबारा से यहां पर लॉगिन इन ए बीओबी वर्ल्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारे अकाउंट में जो मोबाइल नंबर यहां पर रजिस्टर्ड है चाहे वो नंबर हमारा सेकंड है या फिर फर्स्ट नंबर है वो नंबर यहां पर हमें सेलेक्ट कर लेना है।
नंबर दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। दोस्तों जब आप यहाँ पर जो नंबर आपके बैंक में लगा हुआ है उस नंबर पे यहाँ पर आपके एक SMS वाला रिचार्ज या फिर मेन बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जब आपका मैसेज सेंड होगा तो उस मैसेज के बदले आपके मेन बैलेंस से या फिर SMS पैक से 1 SMS या फिर 1.5 रुपये यहाँ पर कट जाएंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर हमारे बैंक अकाउंट में लिंक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करके कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर से 1 SMS सेंड होगा और जो हमारा ये वेरीफिकेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इस प्रोसेस को कम्प्लीट होने के लिए। दोस्तों अगर इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी आपकी BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होती है, तो अब यहाँ पर आपको अपने नियर बाई ATM के अंदर जाकर अपनी मोबाइल बैंकिंग को सबसे पहले डीरजिस्टर करना होगा एंड डीरजिस्टर करने के बाद आपको उसे दोबारा से रजिस्टर करना होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस अपने ATM के अंदर जाकर बता देता हूँ कि आपको अपने ATM के थ्रू किस तरह से आपको अपनी मोबाइल बैंकिंग को सबसे पहले डीरजिस्टर करना है एंड उसके बाद आपको किस तरह से अपने मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम चलते हैं अपने ATM के अंदर, जहां पर मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों मोबाइल बैंकिंग को डीरजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ATM कार्ड को ATM मशीन के अंदर लगा देना है। जैसे आप यहां पर ATM मशीन के अंदर अपना ATM लगाएंगे तो कुछ प्रोसेस चलने के बाद आपके लिए यहां पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है एंड उसके बाद यहां पर आपको एंटर ATM पिन का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ATM पिन को एंटर करना है। ATM पिन को एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है जो आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल बैंकिंग BOB वर्ल्ड, इसके आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले एक ऑप्शन निकल कर आएगा रजिस्ट्रेशन डीरजिस्ट्रेशन रीसेट ट्रांजेक्शन पिन एक्टिवेशन की। तो सबसे पहले हमें डीरजिस्ट्रेशन कर लेना है, तो यहाँ पर हमें डीरजिस्टर वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रेस इफ करेक्ट पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर हमें अपना नंबर दोबारा कंफर्म कर लेना है। नंबर कंफर्म करने के बाद हमें दोबारा से यहाँ पर करेक्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर हमें अपना अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। हमारा अकाउंट सेविंग है तो हम यहाँ पर सेविंग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो मोबाइल बैंकिंग का प्रोसेस था वो हमारा यहाँ पर डीरजिस्टर्ड हो चुका है, तो हमें यहाँ पर अपना ATM कार्ड को निकाल लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी मोबाइल बैंकिंग में दोबारा से रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हमें दोबारा से अपना ATM कार्ड ATM मशीन के अंदर लगा देना है। ATM मशीन के अंदर अपना ATM कार्ड लगाने के बाद थोड़ा प्रोसेस चलेगा, उसके बाद हमें दोबारा से लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर हमें अपना पिन नंबर एंटर कर देना है। एंटर पिन नंबर पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर अपना पिन नंबर डालना होगा। पिन नंबर डालने के बाद आपके सामने दोबारा से एक ऑप्शन निकल कर आएगा मोबाइल बैंकिंग BOB वर्ल्ड, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन वाला, तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है जो हमारा बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। उसके बाद हमें यहाँ पर दोबारा से अपना नंबर को डाल देना है और दोबारा हमें यहाँ पर यस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर हमें अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा यहाँ पर प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस चलने के बाद हमारा ये रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है एंड हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी। उस OTP की हेल्प से हम अपने MPIN एप्लीकेशन में, यानी कि BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों ATM के अंदर जाकर जो आपने यहाँ पर अपना प्रोसेस किया है, आपने जो मोबाइल बैंकिंग के यहाँ पर डीरजिस्टर किया है एंड उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है, इस प्रोसेस को करने के बाद आपके पास जो यहाँ पर एक पिन आता है उस MPIN की हेल्प से आपको BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन में जाकर लॉगिन कर लेना है। आपको लॉगिन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से यहाँ पर BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। सो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर मैं आपको लेटेस्ट बैंकिंग की वीडियो देता रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद।